नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज़ द किंग ऑफ समर फ्रूट्स। हालांकि इसे वो दर्जा नहीं मिला, लेकिन हाँ, ये किसी किंग से कम कुछ नहीं है। इसका नाम है बेल। तो मैं आज बेल की शरबत बनाना आपको दिखाऊंगी। इसका ये जो ऊपर का स्काल्प है ना, इसका जो स्किन है बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही सख्त होता है। एक किसी भारी चीज़ से ना आप इसके ऊपर थोड़ा ऐसे प्रेशर डालोगे तो ये टूट जाएगा। तो ये हार्डी मतलब स्किन की वजह से इसको स्टोन फ्रूट भी कहा जाता है और वुड एप्पल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसके अंदर से जो मुलायम हिस्सा है ना, ये चीज़ें हाथ से निकाल नहीं रहा था, तो मैंने एक स्पून की मदद ले लिया है। एक स्पून की मदद से मैं इसको निकाल लूँगी, सारा अंदर के जो क्रीमी सा जो चीज़ है, जो मेन चीज़ें हैं हमें चाहिए शरबत के लिए वो। और इसका जो ये ऊपर का स्किन है, छिक्कल, इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर और भी चीज़ है, वो मैं आपके दिखाती हूँ। ये देखिए, एक स्पून आप ले लीजिए, उससे आप अंदर से इस तरीके से निकाल सकते हैं सारा जो क्रीमी सा चीज़ है। ये मेन चीज़ है हमें, ये तो बिल्कुल चाहिए। ये बहुत ही फ़ायदा करता है गर्मी में, आप इसे पी सकते हैं। जिसको कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो इसे ज़रूर पी सकते हैं। बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियल होता है ये। और इसकी खुशबू तो वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ मल्टी खुशबू है इसके अंदर, लेमन, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, मतलब सारा फ्लेवर लगता है इसके अंदर मिक्स से। इतना मतलब स्वादिष्ट भी बनता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं एक स्पून की मदद से ना सारा इसके अंदर से जो क्रीमी सा टेक्चर है वो मैं सारा निकाल लूँगी। और ये जो बेल के शरबत है ना, इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो पानी में डाल के इसे पकाने के बाद, जैसे थोड़ी देर पानी में गर्म करने के बाद भी बनते हैं, और कुछ बिल्कुल ठंडा पानी से भी बनाए जाते हैं। लेकिन मैं दोस्तों, मैं ये प्रेफर करूँगी आपको कि आप ठंडा पानी से ही शरबत बना के पिए, वो ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब आप इसको पानी में उबालते हो तो उसका सारा जो विटामिन होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसलिए आप ठंडा पानी में इसे डाल के शरबत बना के पियेंगे तो पूरा के पूरा आपका जो विटामिन है, फाइबर है, वो सब कुछ आपको एकदम मिल जाएगा 100%। तो ये देखिए, इसको मैंने सारा निकल लिया है। और हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ें हैं जो इसके सीड्स होते हैं बहुत सारे। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, तो सीड्स को हमें नहीं लेना है और इसे मिक्सी में ग्राइंड भी नहीं करना है। क्योंकि अगर हम मिक्सी में डालते हैं तो वो सीड्स सारे जो है इसमें मिक्स हो जाएंगे, तो कड़वे लगने लगेंगे। तो ये देखिए, इसके अंदर कुछ इस तरीके के ये जो सीड्स होते हैं ना, इसको हमें फेंक देना है। इसको अलग करने के दो तरीके मैं आपको बताऊंगी। एक तो आप अपने हाथ से ऐसे बिन बिन के भी फेंक सकते हैं, लेकिन एक सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ, वो है सीड्स को निकालने के लिए आप इसमें क्या करें, पानी डाल दें। और पानी डालने के बाद है ना, हाथ से थोड़ा इसको मसलें, हाथ की मदद से इस तरीके से मसल दे पूरा, सारे पानी में जब ये मिक्स हो जाएगा तो ये सीड्स जो है ना अपना आप अलग होने लगेगा। तो इस शरबत को आप ज़रूर ट्राई करें, गर्मियों में पिए। और क्या है ना, रमज़ान का महीना आ रहा है तो ये उस टाइम भी आप यूज़ कर सकते हैं, अफ्तारी की टाइम, क्योंकि पूरा दिन फास्टिंग के बाद है ना, अगर शाम को आपको ये शरबत पीने को मिल जाए तो क्या बात है। तो ये देखिए, मैंने हाथ से सारा मसल लिया था इसका। तो अब हमें क्या करना है, एक छन्नी की मदद से इसको छान लेना है ताकि फ्रेश जो जूस है वो निकल के बाहर आ जाए। तो मैंने इसके ऊपर ये जो सारा मैंने वो डाल दिया है, एक चम्मच की मदद से इस तरीके से प्रेशर देते हुए हम इसके जो है जूस को निकाल लेंगे। लेकिन ये ना बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, थिक होने लगता है। इसलिए अब क्या करना है, इसके ऊपर ना थोड़ा पानी डाल डाल के ना इसे आप इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए, जूस निकाल के बाहर आ गया है। जितना आप इसको बना के ऐसे रखोगे, टाइम लगाओगे, अगर 10 मिनट आपने रख दिया तो जितना पतला बना के आप रखोगे ना, 10 मिनट बाद देखना वो इतना फूल जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे बनाने के बाद ना तुरंत आप पी लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। तो ये देखिए, मैंने सारा जूस इस तरीके से निकल लिया है, ये देखिए। और सारे इसके जो बीज है, इसके जो रेशू है, और भी जो इसके जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होती है ना, वो सारा इसके ऊपर आ गया है और जो फ्रेश जूस है वो हमको मिल गया है। इसमें आपकी मर्जी, आप चाहे तो शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बेल का जो अलग अपना फ्लेवर होता है, मीठापन होता है, वो भी काफ़ी बढ़िया लगता है पीने में। लेकिन मैं थोड़ा मतलब शुगर ऐड करना चाहती हूँ इसमें, क्योंकि थोड़ा बहुत मिठास और आ जाए इसके अंदर।
पाउडर शुगर मैं यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें ना हनी भी ऐड कर सकते हैं, और ब्राउन शुगर तो आप डालते हो तो वो और अच्छा होता है। तो मैंने 2 टेबल स्पून क्या क्या इसमें पाउडर शुगर ऐड किया है, और ये पाउडर शुगर भी मैं घर पे ही बनाती हूँ। जो रॉ शुगर होता है उसको मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद ये पाउडर शुगर बन जाता है। ये बस ये जो बेल का शरबत है इसका ये बन के तैयार है। तो अब मैं सर्विंग ग्लास में इसे सर्व करने के लिए रखती हूँ। तो रमजानों में भी आप इसे ज़रूर बना के पिए, और गेस्ट आने पर भी आप इसे मतलब गर्मियों में ये शरबत बना के तुरंत आप दे सकते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, एकदम फटाफट बन भी जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उतना झंझट नहीं है। इसमें पुदीने के जो पत्ते हैं ना वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो एक बेल को मैंने इस तरीके से जूस बनाया, तो 4 आदमी के लिए ये परफेक्ट हुआ था, एकदम 4 लोग आराम से इसे पी सकते हैं। तो 2-3 आइस क्यूब्स मैंने डाल दिया है इसके अंदर, थोड़ा ठंडा हो जाएगा इसलिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की हमारी ये शरबत वाली रेसिपी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी प्रेस करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलती हूँ किसी एक और नई रेसिपी के साथ, नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।